ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में भारत को बुरी तरीके से रौंदा और 9 विकेट से जीत हासिल किया। आप सभी के मन में तो एक क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम को इतनी करारी हार मिली, उसके पीछे का कारण क्या है। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरुण मेहरा और आप देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स HD24। यदि आप क्रिकेट की वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं इंदौर टेस्ट हारने के 5 सबसे बड़े कारण। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने की निर्णय लेती है और जब बैटिंग करने उतरी तो भारतीय टीम बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलियन बॉलरों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है। पूरी टीम 109 रन पर ढेर हो जाती है, जिसमें विराट कोहली ने 22 रन सबसे ज़्यादा बनाया था। इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने इतने रन नहीं बना पाए थे। विराट कोहली के ये रन भी ज़्यादा नहीं है, 22 रन ही तो है, और विराट कोहली लगातार फेल पर फेल होते जा रहे हैं। विराट कोहली के बल्ले से लगातार कोई भी बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है जो इंडिया को मैच जिता सके, इसलिए भारतीय टीम सिर्फ 109 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 197 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत के सामने बहुत अधिक लीड रख दिया था। भारतीय टीम जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने उतरी तो भी भारत के सामने अधिक लीड होने के वजह से लीड खत्म करते करते ही भारतीय टीम लगभग आधी से ज़्यादा खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस वजह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को केवल और केवल 78 रनों की लीड दे पाई। ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 78 रन बनाने थे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए और अभी दिन थे 3। ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत मौका था मैच को जीतने का और ऑस्ट्रेलिया ने केवल 1 विकेट खोकर ही 78 रन प्राप्त कर लिए और भारत को 9 विकेट से हार दे दिया। आज हम जानेंगे कि भारत के हार का सबसे बड़ी वजह क्या थी। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह थी भारत की टीम सिलेक्शन। विराट कोहली बताते हैं कि मेरे हिसाब से टीम सिलेक्शन में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए था, और मैं भी बता रहा हूं कि टीम सिलेक्शन में बदलाव होना चाहिए था। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर लगातार फेल हो रहे हैं, श्रीकार भारत भी लगातार फेल हो रहे हैं, तो उनको आप चेंज कीजिए। आप उन्हीं पर क्यों रिलाई कर रहे हैं? आपके सामने बहुत सारे बैट्समैन हैं, ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर की जगह पर सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव चलो 10-15 रन आप बनाकर ही आउट होते थे, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर केवल 3 रन 4 रन 5 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। दूसरी, भारत की बैटिंग लगातार कोलैप्स हो रही है। अभी तक जितने भी 2 मैच जीते हैं भारतीय टीम, वो बॉलरों की बदौलत जीते हैं। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जा रही है, ये भी भारतीय टीम के हारने का सबसे बड़ी वजह है। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारतीय टीम ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी। 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम का रवैया थोड़ा सा बदल गया था और ओवर कॉन्फिडेंस में था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और उसका फ़ायदा उठाते हुए भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी वजह है भारत के टॉप ऑर्डर का फेल होना। भारत के टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है, जिसके वजह से भारतीय टीम लंबा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रही है और भारत को हार मिला है। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा खेलना। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है और ऐसे टीमों को हराना इतनी आसान बात नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैटिंग और बॉलिंग सभी में सुधार कर तीसरे टेस्ट मैच में लौटी थी, जिसका फायदा उसे मिला और ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत मिला। दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम के हारने के और कौन कौन से वजह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्रिकेट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हर खबर लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।